नमस्कार, आदाम, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गैल इंडिया लिमिटेड की स्वर्ग जैसी टाउनशिप में नवनिर्मित 36 डी टाइप फ्लैट का वीडियो। यह डी टाइप फ्लैट उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिव्यापुर कस्बे गैल कस्बे में गैल गांव टाउनशिप के डॉक्टर अब्दुल कलाम एक्सटेंशन कुंज में स्थित है। वैसे तो गैल गांव टाउनशिप पहले से ही बहुत खूबसूरत और प्यारी है, परंतु डी टाइप के इन दो टावरों ने इसमें चार चांद और लगा दिए हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके में नोएडा फ्लैटों की जो फीलिंग जो देते हैं वो बहुत अच्छी है। यहाँ सामने जो दो टावर दिख रहे हैं, इन टावर में प्रत्येक 6 फ्लोर के टावर हैं, प्रत्येक फ्लोर पर तीन तीन यूनिट डी टाइप के फ्लैट हैं। टोटल मिला के एक टावर में 18 फ्लैट हैं और दूसरे टावर 2 में भी 18 फ्लैट हैं। 36 डी टाइप क्वार्टर यहाँ नवनिर्मित हुए हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम कुंज एक्सटेंशन में। यह टी आकार में बने हुए हैं। अब सामने एक साइड हमने मेन एंट्री दिया है, एक तरफ गार्ड रूम है, दूसरी तरफ टेलीकॉम रूम है। यहाँ सामने लगे एलईडी साइनेज बोर्ड कुंज का नाम और टावर 1 और टावर 2 रात में अलग ही मनमोहक लुकिंग देते हैं। एलईडी साइनेज बोर्ड लगाए हैं यहाँ पे। ये गार्ड रूम, एक साइड टेलीकॉम रूम, 24/7 सिक्योरिटी यहाँ पे है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, मैन दरवाजे से, मुख्य एंट्रेंस से टावर की तरफ चलते हैं। टावर की तरफ जाने के बाद में हमें बीच में एक आइलैंड मिलता है ग्रीन एरिया के लिए। सफिशियंट लाइटिंग की व्यवस्था दी गई है नाइट में। रोड लाइट्स, 3 ग्रीन एरिया दिए हैं, एक दोनों टावर के बीच में और एक एक साइड में दिए हैं। यह दोनों टावर हैं जो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसका एक्सटीरियर लुक जो है वो प्लास्टर पर एशियन ट्रू केयर प्राइमर और अल्टीमा वेदरप्रूफ एक्सटर्नल पेंट के साथ जीआरसी जाली का कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है, जो काफ़ी शानदार, मनमोहक और जानदार लगता है। इस कवर्ड कुंज में सभी फैसिलिटी और एमिनिटी का ध्यान रखा गया है, जैसे कि इसमें दोनों टावर में, प्रत्येक टावर में दो दो लिफ्ट है। एक लिफ्ट 8 पैसेंजर की है, एक लिफ्ट 13 पैसेंजर की है। 24/7 सिक्योरिटी गार्ड हमारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं। इंटरकॉम की व्यवस्था है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, FSC कैबिनेट है, फायर अलार्म है, फुटपाथ दिया है, वॉकिंग फुटपाथ। हर एम्प्लॉय के लिए पर्सनल 2-व्हीलर एंड 4-व्हीलर पार्किंग का स्पेस दिया है। ओवरहेड टैंक दिया हुआ है, इमरजेंसी DG सेटअप भी है। सेपरेट सीवर लाइन है जो STP तक जाती है यहाँ से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए 36 डी टाइप फ्लैट में से किसी एक फ्लैट के अंदर। अब हम चलते हैं स्टील फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की ओर। अब हम पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहां एक तरफ 8 पैसेंजर की छोटी लिफ्ट है तो दूसरी तरफ 13 पैसेंजर के लिए, सामान शिफ्टिंग के लिए बड़ी लिफ्ट दे रखी है। और लिफ्ट सेक्शन के जस्ट सामने 13 फिट बाई 9 फिट का अच्छा स्पेसियस पैलेस दिया हुआ है। और यहाँ पे जो ग्रेनाइट लगा है, ये 10 ब्राउन ग्रेनाइट है, बहुत खूबसूरत लुक देता है। अब आगे बढ़ते हुए हम एक तरफ देखते हैं लिफ्ट के राइट साइड में, तो स्टेयर केस के जस्ट सामने हमें जो क्वार्टर दिख रहा है, डी टाइप फ्लैट है, पहला फ्लैट है 3601A। जैसा कि पहले बताया था, यहाँ टी सेप में ये टावर बना हुआ है, जिसमें एक 3601A फर्स्ट डी टाइप फ्लैट है। जस्ट लिफ्ट के सामने हम देखेंगे तो 3601B है, और लिफ्ट के लेफ्ट साइड में जैसे ही देखते हैं तो 3601C। हर फ्लोर पे 3 यूनिट हैं लिफ्ट के। इसके साथ ही और बताना चाहूँगा, लिफ्ट के जस्ट सामने FSC कैबिनेट दे रखा है, जो आपातकालीन स्थिति में फायर बुझाने के लिए सभी ध्यान रखा गया है। यूटिलिटी शाफ्ट है,
यूटिलिटी शाफ्ट में लो वोल्टेज की सभी केबलें हैं, इलेक्ट्रिकल शाफ्ट में प्रत्येक फ्लैट के अंदर इलेक्ट्रिकल की वायरिंग दे रखी है, सर्विस शाफ्ट क्लीनिंग के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए सामान रखने के लिए दी गई है। अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे एक फ्लैट को देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। अंदर चलने से पहले मैं इस फ्लैट के कुछ हाइलाइट्स आपको बता देना चाहता हूँ। इस एक फ्लैट का कारपेट एरिया है जो लगभग 1600 स्क्वायर फीट है। इसमें चार रूम है, वैसे इसको 3 BHK बोलेंगे, प्लस 1 सर्वेंट रूम इसमें दिया है। लिविंग रूम, ड्राइंग रूम है, फैमिली सिटिंग या डाइनिंग रूम है, किचन है एक सेमी मॉड्यूलर, स्टोर या पूजा रूम कहें वो भी दिया है। अच्छी बात इसमें यह है कि 5 बालकनी दी गई हैं जिसमें सनसेट और सनराइज दोनों का लुत्फ उठा सकते हैं, और 4 टॉयलेट हैं, और वेंटिलेशन की इसमें प्रॉपर ध्यान रखा गया है। कहीं पे भी दिन में तो ऐसा लगता है कि लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे इलेक्ट्रिकल सेविंग भी कह सकते हैं, सब कुछ ध्यान रखा गया है। अब देर नहीं करते हुए हम आगे के सफ़र की शुरुआत करते हैं और अंदर चलते हुए देखते हैं। यह फ्लैट नंबर 3601C जो हमें सामने दिख रहा है, ये मेन एंट्रेंस है फ्लैट का, और इसके लेफ्ट साइड में जो हमें डोर दिख रहा है ये सर्वेंट रूम है। इस मेन एंट्रेंस के डोर को 35 mm थिक आर्चिड प्लाई के डेकोरेटिव टाइप फ्लश डोर है जिस पर फ्रेंच पॉलिश की गई है, ये अलग अच्छा लुक देता है। बाकी इसमें जितने भी डोर दूसरे लगे हुए हैं वो आर्चिड प्लाई के ही हैं, 30 mm थिक पैनल हैं जिस पर एशियन पेंट के प्राइमर व सिंथेटिक इनेमल पेंट है जो एशियन पेंट का ही यूज किया गया है, उससे फिनिशिंग दी गई है। अब अंदर चलते हैं। अंदर जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो फॉयर एरिया दिया है। इस फॉयर एरिया में कैबिनेट रखने के लिए, सू रैक रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है, और सामने जो ये स्पेसियस एरिया दिख रहा है यह हमारा ड्राइंग रूम रहेगा। बहुत अच्छा स्पेस है, ड्राइंग रूम के सामने ही बालकनी भी दी गई है। इस ड्राइंग एरिया का साइज है जो 15 feet by 14 feet का काफ़ी स्पेसियस है। इसमें हम एल सेप का, सी सेप का सोफ़ा लगा सकते हैं। इसमें जो भी टाइल्स जो यूज हुई है, मैं बताना चाहूँगा, टाइल्स सभी सोमानी की प्रीमियम क्लास की 600 by 600 की डबल चार्ज सोमानी यूज हुई है। बालकनी ड्राइंग रूम के जस्ट साथ में अटैच दी गई है। ये काफ़ी स्पेसियस बालकनी है। चलते हैं बालकनी की तरफ। बालकनी की लेंथ 12 feet by 5 feet विड्थ में है, और इस बालकनी से बाहर का नज़ारा या सनसेट काफ़ी सुंदर दिखता है। और जैसे ही हम बालकनी की तरफ आगे बढ़ते हैं, सामने हमें डी टाइप के बंगलो, डी टाइप का गार्डन बहुत अच्छा लुक देता है। अभी हम चलते हैं वापस बालकनी से अंदर ड्राइंग एरिया की तरफ। ड्राइंग एरिया से जस्ट सामने जो हमें ये स्पेस दिख रहा है ये हमारा डाइनिंग एरिया होगा। डाइनिंग एरिया का भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। यह डाइनिंग एरिया 12 feet by 10 feet का है, और इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल फिक्चर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट और स्विच हैं जो लीग्रांड कंपनी के हैं, मॉड्यूलर स्विच एंड सॉकेट यूज किए हैं, इलेक्ट्रिकल जो भी फिटिंग हैं, AKG की वायरिंग, AKG के कंड्यूट हैं और KEI की वायरिंग अंदर यूज की है, फैन क्रॉम्पटन के हैं, ब्रैकेट लाइट फिलिप्स की, ट्यूबलाइट फिलिप्स की, एंड सीलिंग लाइट जो सामने दिख रही है बहुत सुंदर, ये विप्रो की यूज की गई है। सामने DB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी जो कि L&T कंपनी का है, डबल डोर TPN बॉक्स है, इसके अंदर लगी सभी MCB, RCCB भी L&T कंपनी की यूज की गई हैं। आगे हम चलते हैं तो डाइनिंग एरिया के साथ ही हमें एक लंबी बालकनी और दे रखी है जिससे सनराइज का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। सेकंड नंबर बालकनी है। सभी बालकनी में हमने 1x1 की 1 feet by 1 feet की टाइल्स को यूज किया है जो मैट फिनिश की है जिसपे स्लिप होने का चांस नहीं है। अब इसी डाइनिंग एरिया के साथ में ही हमें एक सेमी मॉड्यूलर किचन दिया है जिसका साइज 11 feet by 8 feet है। अब आगे बढ़ते हैं इस किचन की तरफ।
किचन में भी 1 फिट बाय 1 फिट की मैट फिनिश की अच्छी टाइल्स दी है, जेट ब्लैक का सिल दिया है जो स्टाइल के साथ उसकी सुंदरता और बढ़ा देता है। अब किचन में चलते हैं। किचन हमें एल शेप में दिया है, एक तरफ एल शेप है, दूसरी तरफ सीधा सिंक के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। अब किचन के बारे में बताना चाहूँगा, ओवरहेड कैबिनेट और बिलो कैबिनेट, इसमें जितनी भी हार्डवेयर फिटिंग यूज की गई है वो सब ब्रांडेड हैं, एवराइट कंपनी के हिंज, स्लाइडिंग हिंज लगे हुए हैं, हैंडल लगे हुए हैं, और जो इसका प्लाई बोर्ड का यूज किया गया है, प्लाई का लेमिनेटेड ऊपर 1 mm थिक आर्चिड कंपनी का ब्रांडेड लेमिनेट, प्यारा सा कलर दिया गया है। और जो डैडो दी गई है 2 फिट हाइट तक, अच्छी सुंदर चेक्स में टाइल दे दी हैं, और ग्रेनाइट जो ब्लैक जेट ग्रेनाइट है वो और इसकी सुंदरता बढ़ा देता है। अब तो गैलगांव इस टाउनशिप में PNG कनेक्शन भी आ चुका है, और इसमें हमने सफिशियंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिए हैं, वो भले आरओ के लिए हो, चिमनी पर्पज के लिए हो, गीजर के लिए हो, फ्रिज के लिए हो, या फिर मिक्सी के लिए हो, सभी का ध्यान रखा है इसमें। अब एल सैप काउंटर के जस्ट सामने नीलकंठ कंपनी का सिंक दिया है, मिक्सर दिया है जैगवार का, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था रखी गई है, क्रॉम्पटन का एग्जॉस्ट फैन है, बहुत सुंदर दिखता है ये किचन, सभी फिटिंग्स का ध्यान रखा गया है इसमें। अब चलते हैं यूटिलिटी एरिया की ओर। यूटिलिटी की साइज 9 फिट बाय 5 फिट है। यूटिलिटी में वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर के लिए सफिशेंट वाटर के पॉइंट और इलेक्ट्रिकल के सॉकेट दे रखे हैं। इसी के पास में सर्वेंट टॉयलेट भी एक इंडियन टाइप दे रखा है, इसमें भी सभी फिटिंगें हैं, जैगवार की हैं, इंडियन टाइप सीट, वॉश बेसिन। और इसी के बगल में हमने सामने से जो बताया था सर्वेंट रूम, 9 फिट बाय 6 फिट का छोटा सा प्यारा सा सर्वेंट रूम है। अब वापस हम चलते हैं सर्वेंट रूम से किचन से होते हुए। बेडरूम की ओर डाइनिंग एरिया था, सामने ड्राइंग एरिया है। अब जो ये पैसेज दिख रहा है सामने, ये 17 फिट बाय 5 फिट का पैसेज है, अच्छा स्पेसियस पैसेज है। अब इसमें मैं बताने चाहूँगा, राइट साइड में जो फर्स्ट डोर दिख रहा है, ये स्टोर रूम कहें या पूजा रूम कहें, फर्स्ट है। सेकंड नंबर रूम राइट साइड में ही बेडरूम फर्स्ट है, इसमें अटैच टॉयलेट हमने दिया है। और सामने जो दरवाज़ा दिख रहा है वो मास्टर बेडरूम का डोर है। लेफ्ट साइड में फर्स्ट बेडरूम सेकंड है, जिसमें अटैच बालकनी दी है, और दूसरा लेफ्ट साइड में जो दरवाज़ा है वो कॉमन टॉयलेट का है। आगे चलते हुए हम एक एक रूम में चलते हुए फैसिलिटी सब देखते हैं। यहाँ कॉर्निक्स बहुत प्यारा अच्छा दिया हुआ है। फर्स्ट हम चलते हैं स्टोर की तरफ। यह है हमारा स्टोर रूम, इसमें जो भी पेंट किया गया है मैं बताना चाहूँगा, ये सब एशियन पेंट है, एपकोलाइट एमल्सन सुपर एक्रेलिक पेंट है। ये स्टोर रूम है जिसका साइज बता रहा हूँ 6 फिट बाय 5 फिट है। पूजा रूम भी इसको बना सकते हैं, स्टोर रूम भी बना सकते हैं। अब दूसरा राइट साइड में दूसरे फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं, फर्स्ट बेडरूम की तरफ सॉरी। अब फर्स्ट बेडरूम में जैसे ही सामने देखेंगे तो हमें वेंटिलेशन की भी प्रॉपर व्यवस्था दी है, एसी, विंडो एसी के लिए और स्प्लिट एसी के लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट सफिशियंट दिए हैं, विंडो एसी के लिए ओपनिंग भी हमने दे रखी है। प्रत्येक रूम में वार्डरोब हमने साथ में दिए हैं। इस फर्स्ट बेडरूम के साथ में ही हमें एक टॉयलेट अटैच मिलता है। अब टॉयलेट की तरफ चलते हुए देखते हैं, लुकिंग मिरर मोदी गार्ड का है, 600 बाई
800 का। काउंटर टॉप जेट ब्लैक है, वॉश बेसिन काउंटर फिट है, बॉटल ट्रैप भी जैगवार का, सब फिटिंग जो है जैगवार की हैं। टाइल्स वॉल टाइल्स सोमनी प्रीमियम क्वालिटी की हैं। सीट है, हेल्थ फॉसेट दिए हैं, बहुत अच्छा लुक दिखता है। अब वापस हम टॉयलेट से चलते हैं बेडरूम में। बेडरूम में इलेक्ट्रिकल पॉइंट सॉकेट स्विच सब सफिशियंट है, कोई भी एक्स्ट्रा स्विच सॉकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने जो हमें अब रूम जो दिख रहा है ये है सेकंड रूम हमारा। इसमें भले ही अटैच टॉयलेट नहीं दिया बट बहुत खूबसूरत बालकनी दी है। इसकी बालकनी का साइज 9 फीट बाय 6 फीट है और दोनों बेडरूम है जो 13 फीट है साइज में। दोनों रूमों में वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है। अब रूम से बालकनी की तरफ सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम के साथ ही मैं जो बालकनी बता रहा था वो बालकनी सामने है। बालकनी में सभी मैट फिनिश की टाइल 1 फिट बाय 1 फिट की यूज की गई है जिससे स्लिप होने का चांस बहुत कम है। इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीकॉम के डिश टीवी के कनेक्शन के लिए पहले से ऑलरेडी केबलिंग कर रखी है, केबल फ्री है, कोई भी केबल बाहर नहीं है, पहले से ही हमने दे रखा है। अब चलते हैं हम वापस पैसेज से होते हुए सामने मास्टर बेडरूम। इससे पहले कॉमन टॉयलेट देख लेते हैं। सेकंड बेडरूम के जस्ट पास में ही कॉमन टॉयलेट है जो 9 फीट बाय 6 फीट का है। इसमें जो भी फिटिंग लगी है सब में जैगवार की प्रीमियम फिटिंग है। टाइल्स सोमानी की हैं, स्लोप का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। यह टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट। अब वापस हम चलते हैं सीधा मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम दोनों बेडरूम से साइज में थोड़ा बड़ा है। इसका साइज 14 फिट x 13 फिट है। इसमें ये खासियत है कि इसमें आपको बालकनी भी मिलती है, ड्रेसर एरिया भी मिलता है और टॉयलेट भी मिलता है। जो सामने हमें दिख रही है ये अटैच बालकनी है, एक साइड में ड्रेसर एरिया है और ड्रेसर एरिया के जस्ट साथ में अटैच टॉयलेट दे रखा है। अभी हम मास्टर बेडरूम की बालकनी को देखेंगे। यह सामने मास्टर बेडरूम की बालकनी है। बालकनी से बाहर का नज़ारा रियल में बहुत खूबसूरत दिखता है यहाँ का। सामने डी टाइप के बंगलो बने हुए हैं, बीच में ग्रीन आइलैंड है और ये जो आरसीसी रोड बनाई हुई है इसी में अंडर ड्रेनेज की अंडरग्राउंड व्यवस्था है। इसका सभी पानी अंडरग्राउंड होते हुए इको पॉन्ड में जाता है हमारे। अब वापस बालकनी से हम मास्टर बेडरूम की तरफ आते हैं। मास्टर बेडरूम में जो सामने एरिया दिख रहा है ये ड्रेसर एरिया है, वार्डरोब दे रखा है। इसमें तीनों रूमों में वार्डरोब है। लाइटिंग के सभी में प्रॉपर पॉइंट दिए हैं। अभी हम चलते हैं वार्डरोब के जस्ट लेफ्ट साइड में हमें हमारा वॉश बेसिन काउंटर ब्लैक ग्रेनाइट के साथ में जैगवार का मिरर है। एक गीजर हमने 25 लीटर का जैगवार कंपनी का ही लगा के दिया है। इसमें सीट है और एक साइड में सोवरेज। सभी बाथरूमों में प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था रखी है। स्लोप सभी ओके हैं। टॉवल रेड, हेल्थ फॉसेट, तीनों चार इसमें टॉयलेट है फ्लैट में, जिसमें से तीन मैंने जो टॉयलेट बताए हैं वो वेस्टर्न टाइप है और एक सर्वेंट टॉयलेट था जो इंडियन टाइप था।
या मास्टर बेडरूम से पैसे। इस तरीके से ये डी टाइप के 36 फ्लैट बने हुए हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। बाहर चलते हुए गर्व है हम गैल हैं। थैंक यू वेरी मच।